आप लोग अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं, आप लोगों को तो लेप्रेसी के दवाओं के नाम तक नहीं मालूम है। इस पृथ्वी से मैं इस रोग को जड़ से मिटा दूंगा। सारी रात नहीं सोते? नहीं, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे काम में कोई जरा सी भी रुकावट आ जाती है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तुम्हारी तरह भले ही मैं एक सेल्फ इम्पोज्ड पागल साइंटिस्ट न हूँ, लेकिन मैं अनएजुकेटेड नहीं हूँ, समझे? मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं ना रहा करूं तो मेरी लैब में कोई नहीं घुसेगा। अगर वो ब्लफ कर रहा है तो जरूर पकड़ा जाएगा। हूं मैं जूनियर डायरेक्टर, मैं कहता हूं कि मेरा वैक्सीन लेप्रेसी को हमेशा के लिए दुनिया से मिटा देगा। उसे इतनी मुखियागिरी करने की क्या जरूरत है? और वो तुम्हें क्यों अपने साथ घसीटता है? जो लोग साइंस का एस तक नहीं जानते हैं, जब वो लोग दखलंदाजी करते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। क्या आप सोचते हैं कि लेप्रसी जैसे घृणित रोग के कीटाणुओं को हर औरत के जिस्म में सिर्फ इसलिए दिया जाए कि कुछ लोगों को लेप्रसी होती है? कुछ लोग, डू यू नो द नंबर, 3.5 टू 4 मिलियन पीपल। सिर्फ हमारे देश में 35 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के शिकार। बात दरअसल ये है कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जानबूझकर दीपंकर राय के पीछे पड़े। उन्होंने मेरा ट्रांसफर एक गांव के अस्पताल में कर दिया। इतना टैलेंटेड आदमी, उसका चाहे कितना ही दोष क्यों ना हो, ऐसे ही खोकर रह जाएगा। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने कोई वैक्सीन नहीं बनाया। आई सरेंडर।